हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर द टॉपिक ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ एलओसी नेम्ड सब्ट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमें ए माइनस बी परफॉर्म करना है, किसकी हेल्प से, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। तो जैसे हमने क्या मान लिया कि ए क्या है 215, बी क्या है 155। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, बी। तो बी का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। नाइन कॉम्प्लीमेंट सबको आता है फाइंड आउट करना। नाइन कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी हमारे पास यहाँ पर डिजिट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम 999 लिख लेते हैं, 999, और 155 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया, 844। तो ये क्या है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट किसका, 155 का। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमने ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है, इसको किस में ऐड कर देंगे, ए में। नाउ ऐड नाइन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी टू ए। तो 844 और 215 को ऐड कर दिया। अब देखो, इसमें हमारे पास कैरी आ गया, क्योंकि यहां पर इतनी डिजिट थी, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो हमारे पास क्या आ गई, कैरी। तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं, या तो कैरी आ सकता है या नहीं आ सकता। अभी हम फर्स्ट केस देख रहे हैं कि इफ द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द रिजल्ट इज कैरी, तो हम क्या करेंगे कि इस कैरी को सबसे लास्ट वाले डिजिट में ऐड कर देते हैं। तो इस वाले कैरी को हमने कहां पर ऐड कर दिया, 9 में ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 60। तो इसका मतलब इसका हमारे पास क्या रिजल्ट हुआ, 60। ये आप यहां से भी देख सकते हो कि जब हम 215 में से 155 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 60 आता है। अब एक और एग्जांपल के जरिए हम देखेंगे कि जब हमारे पास कैरी नहीं आता है तो क्या रिजल्ट रहता है। देखो, हमने एग्जांपल ले लिया जिसमें हमने क्या लिया, 125, बी क्या लिया, 323, ए माइनस बी। वैसे ही करेंगे हम, टेक नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी का नाइन कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो नाइन कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आया, 676। अब इसको किस में ऐड कर देंगे, ए में। तो 676 प्लस 125 क्या आ गया, 801। क्या यहाँ पे कोई कैरी आया है, नहीं आया। अगर हमारे पास कैरी नहीं आता है, देयर इज नो कैरी, देन आंसर विल बी, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर। मतलब इस वाले आंसर का हम नाइन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। तो 801 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, कैसे करेंगे, 999801 क्या आंसर आया, 198। तो 198 के आगे क्या आप साइन पुट कर दोगे, -198। देखो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर ए क्या है, 4567, बी क्या है, 1234, ए माइनस बी। सबसे पहले हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे किसका, बी का। बी का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, क्या आ गया, 8765। फिर हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट को किस में ऐड कर देंगे, ए में। तो ए में ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो, इसमें कैरी आ रहा है। अगर कैरी आ रहा है तो हमें क्या करना है कि इस कैरी को यहां पर ऐड करना है। तो यहां पर ऐड करके जो हमारे पास ये आया, ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। प्रॉब्लम देखिए, तो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया है कि इफ वी वांट टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी, देन फर्स्टली वी फाइंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, कि जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है पहले हम क्या करेंगे, उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जैसे बी है तो बी का क्या करेंगे, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू अदर नंबर, कि ए में किसको ऐड कर देंगे, जो ये सेकेंड नंबर का हमने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था, ए प्लस बी इज नाइन कॉम्प्लीमेंट। फिर हमारे पास दो केसेस आते हैं, इफ द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द रिजल्ट इज कैरी, अगर वो कैरी है तो हम उसको दोबारा से ऐड कर देंगे टू द लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट। एंड इफ देयर इज नो कैरी, अगर कैरी नहीं आता है तो आंसर हमारे पास क्या होगा, -9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर। ये तो था सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है बेटा इसमें, कि यहां पे देखो, पहले हम किसका फाइंड आउट करेंगे, यहां पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टेंस कॉम्प्लीमेंट किसका, जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो यहां पर कौन है, बी। फर्स्टली वी फाइंड टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे,
इसका 999155 यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में वन एड कर दो तो हमारे पास क्या आता है, टेंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास जैसे हमने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट किया था वैसे ही यहां पर करेंगे कि एड टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी टू ए, कि जो हमने ये टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है इसको किस में एड कर देंगे, ए में। तो ये क्या आ जाएगा, 845 प्लस 215। अब देखो इसमें हमारे पास एंड कैरी आया है तो इसमें भी हमारे पास वही वैसे ही दो केसेस होंगे कि इफ द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द रिजल्ट इज कैरी देन जस्ट इग्नोर दैट। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते थे कि जो ये कैरी आया है इसको यहां पर एड करते थे लास्ट में। यहां पर हमें क्या करना है कि अगर कैरी आता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर दो, जो बच जाएगा वो हमारा क्या है, रिजल्ट है। तो यहां पर हमने इसको इग्नोर कर दिया तो 60 हमारा क्या है, रिजल्ट है। और एंड इफ देयर इज नो कैरी, अगर हमारे पास कैरी नहीं आता है देन आंसर विल बी माइनस टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेन कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है कि टेन कॉम्प्लीमेंट में तो जो हमारे पास कैरी आता है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में उसको हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। अब देखो इसमें नेगेटिव वाला रिजल्ट देखो कि ए हमने क्या ले लिया, 155, बी क्या ले लिया, 215। तो इसमें हम ए माइनस बी परफॉर्म करना है, बी का क्या फाइंड आउट करेंगे, टेंस कॉम्प्लीमेंट। पहले हम नाइन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो फिर उसमें प्लस वन कर दो, तो ये क्या आ गया इसका, टेंस कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया टेंस कॉम्प्लीमेंट, जो टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया उसको ए में ऐड कर दो, ए प्लस बी टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें देखो क्या कैरी आया है, तो हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक तो हमारे पास कैरी आएगा, अगर हमारे पास कैरी आता है देन जस्ट इग्नोर दैट कैरी, अगर हमारे पास कैरी नहीं आता है तो जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसका हमें दोबारा से क्या निकालना पड़ेगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट, और उसके आगे क्या साइन पुट कर दोगे, माइनस साइन, माइनस टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर। तो पहले 940 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, माइनस 940 का टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 60, और 60 के आगे क्या प्लेस कर दो, माइनस। तो ये था हमारे पास सब्ट्रैक्शन यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट।